बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्विच वर्ड के बारे में, जिससे आप अपनी लाइफ में अपने स्पेसिफिक पर्सन को, अपने उस समवन स्पेशल को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, या उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या यू नो, आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में बहुत सारी फाइट्स हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, तो इन सारी चीज़ों के सोल्यूशन के लिए आप इस स्विच वर्ड को बिल्कुल ही प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बट इस स्विच वर्ड को बताने से पहले मैं आपको कुछ और भी बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि देखिए गाइस, हमारी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, मतलब कि सही चीज़ें, गलत चीज़ें, पॉजिटिव, नेगेटिव, राइट। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो या क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो कि कौन है, किसको मैनिफेस्ट कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या है। ठीक है, सो ये बिल्कुल आपका डिसीजन होगा, आपको ये सोचना है, समझना है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप किसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सोच समझ कर फिर आप चीज़ों को अट्रैक्ट करें, बिकॉज जब आप उसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो अट्रैक्ट तो हो जाएगा, बट फिर वो सही या नहीं वो आपको यू नो, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही, बिल्कुल हम देखो यहाँ पे सब रिचुअल्स बता रहे हैं, टेक्निक्स बताते हैं, ताकि आप लोग अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर पाए, हम अपने विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट थोड़ा इन चीज़ों का भी आप सोचिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत इंसान को मैनिफेस्ट करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ों को थोड़ा आपको समझना होगा, राइट। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। स्विच वर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, कौन सा स्विच वर्ड है आप चाहे तो लिख लीजिए, इट्स वेरी सिंपल, और वो स्विच वर्ड है टुगेदर डिवाइन लव। तीन शब्दों का ये स्विच वर्ड है, फिर से बता रही हूँ, टुगेदर डिवाइन लव। अब इस स्विच वर्ड को आपको दिन में जितना चाहे उतना चैट करना है, ठीक है, नो रूल्स, आप अपने रूल्स खुद बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा काउंटिंग में पढ़ते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ेंगे तो आपका फोकस हट जाएगा। आपका फोकस होना चाहिए आपकी फीलिंग्स के ऊपर कि आपको कैसा फील हो रहा है, ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए, और अगर आप विजुलाइज कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना पॉसिबल उतना आपको एंड रिजल्ट को फील करना है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप फोकस करना, और इस रिजल्ट को आपको चैंट करना है। ठीक है, और रात को सोने से पहले तो डेफिनेटली करना होगा, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तब आपको यू नो, अपने डिज़ायर्स को विजुअलाइज भी करना है। तो मान लीजिए अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को विजुअलाइज कर रहे हो, रिलेशनशिप को विजुअलाइज कर रहे हो, तो उसके साथ आप इस स्विच वर्ड को भी चैंट कर सकती हो, इसको लिख भी सकती हो। ठीक है, तो ये छोटा सा स्विच वर्ड आपकी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट कर देगा, आपके स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर देगा। सो थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ी फेथ रखना, ठीक है, और इस चीज़ को कंसिस्टेंट आप यू नो, प्रैक्टिस करना। ठीक है, एंड फिर जो रिजल्ट आता है आपकी लाइफ में मुझे बिल्कुल बताना, बिल्कुल शेयर करना। ठीक है, एक दूसरे को भी शेयर करना, ताकि दूसरे लोगों को भी वो चीज़ों का यू नो, पता चले, वो भी उनको यूज़ करें। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में, फिर से बता रही हूँ, टुगेदर डिवाइन लव। तो ये स्विच वर्ड आज से ही आप चालू कर दो प्रैक्टिस करना, और फिर देखना क्या चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए, keep going with the law of attraction, stay happy, stay blessed, and good vibes to all.